वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंग्लिश इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, स्पोकन क्लास कर रहे हो आप ना, तो स्पोकन क्लास में हमने A1 लेसन 1 से दिया है और ये हमेशा पार्ट में दे रहा हूँ आपको मैं। उसके साथ साथ फाउंडेशन क्लास आप कर रहे हो, तो फाउंडेशन और स्पोकन दोनों को हमने दो शिफ्ट में बांट दिया हुआ है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे स्पोकन और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फाउंडेशन क्लास है ना। तो आप दोनों क्लास साथ साथ ले रहे हो और दोनों क्लास साथ कर रहे हो। तो स्पोकन के लिए जैसे क्या होता है बेटा, बोलना होता है। हमने कहा था कि यू शुड स्पीक इंग्लिश वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। कभी नहीं सोचना अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोलना है, ब्रिटिश इंग्लिश नहीं बोलना है, कौन सा इंग्लिश बोलना है, इंडियन इंग्लिश। मतलब चूंकि हम लोग इंडियन से, इसलिए पहले बोलना सीखना है। बच्चा पहले चलना सीखता है ना कि पहले बोलना सीखता है। बोलना जब वो सीखता है तो देखा देखी सीखता है, तो एक दूसरे की साउंड समझता है वो। तो पहले आप एक दो कदम चलो, मतलब अंग्रेजी में पहले बेसिक से चलो। और बेसिक चलने के लिए आपको धीरे धीरे मैं हर एक तरह का वीडियो स्पोकन दे रहा हूँ, जिसको आपको बस फॉलो करना है। जितना बुलवाऊँ उतना बोलना है, अंग्रेजी आ जाएगा। कैसे देखते हैं घर से, जैसे कि वर्ड बेटा गेट, राइट। एक वर्ड है गेट, गेट का मतलब हो गया लाओ, लाओ है ना, लाओ या दो, लाओ या दो का हम बोलते हैं यहाँ पे गेट। अब गेट तुमको जैसे बोलना हो क्या करो, बस गेट लिखो और गेट के पास जो तुम्हें मन करता है बोल दो। गेट लिखो और जो मन करता है बोल दो, बिल्कुल सिंपल। गेट अदर वर्ड। अब तुम्हें मन करता है एक गिलास पानी लाओ तो क्या बोल दोगे, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। बस बोलना तो पाना नहीं है, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट अ बैंक पेपर, गेट योर बाइक, गेट योर साइकिल, गेट योर बेड, गेट योर टेबल, कुछ भी बोल जो मन करता। तो अपना टेबल लाना, गेट योर टेबल, अपना पेन देना, गेट योर पेन, कुछ भी वट एवर कम्स योर माइंड, बस बोलना है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, इस बार बोलो अंग्रेजी आ जाएगा। 5 मंथ्स मेरे साथ चल रहे हो, अंग्रेजी आना है ना, आ जाएगा। कैसे, गेट प्लस अदर वर्ड, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट कुछ भी बोल सकते हो जितना, गेट योर पेन, गेट योर बुक है ना, गेट योर बुक, पहले बोलना है। हमने कितना लिखूंगा मैं, गेट योर ग्लास, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट योर बुक, गेट योर पेन, गेट योर टेबल, गेट योर बोर्ड, गेट योर लाइट, वॉट एवर कम्स योर माइंड, गेट योर शर्ट, गेट योर पैंट, जाए कलम देना, गेट योर पेन, जाए पेन देना, गेट अ पेन, गेट अ पेंसिल, गेट ऑफ कुछ भी वट एवर। तो जितना मर्जी करे गेट से बोलो, मेरे साथ बोलो, गेट प्लस अदर वर्ड, OW अदर वर्ड, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट योर पेन, अपना कलम दो, गेट योर पेन, अपना किताब दो, बोलो अंग्रेजी, अपना किताब दो, गेट योर बुक, अपना पेंसिल देना, गेट योर पेंसिल, ठीक है, राइट बोलोगे, 1000 सेंटेंस बोलना है, राइट बच्चे। तो वहां पर गेट से काम करेंगे और धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, मुद्दा गेट का ही है। हमने बोल दिया गेटिंग, ध्यान देना, गेट आ दिया, हमने बोल दिया गेटिंग, गेटिंग ध्यान देना, गेटिंग वर्ड है। जब भी किसी शब्द के अंत में, ध्यान देना बेटा, जब भी किसी शब्द के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और एक वॉवेल हो तो उसे हम डबल लिखते हैं। देखो ना, गेटिंग डबल टी लगा दिया। तो जब हम ING जोड़ते हैं ना तो अंतिम वाले को 2 बार लिखते हैं, जैसे गेट में TTING गेटिंग, ठीक है, ऐसे सारे लागू हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो गेटिंग, तो गेटिंग का मतलब होता है क्या, हो रहा है, हो रहा है, तो गेटिंग का मतलब हो रहा है। अब तुम्हें जहां मन करता है हो रहा है बोल दो, कैसे बोलोगे वो ध्यान दो। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर, गेटिंग प्लस अदर वर्ड, गेटिंग प्लस अदर वर्ड। अब जितना मन करता है बोलो, जैसे मुझे लेट हो रही है या मैं लेट हो रहा हूं, क्या बोलोगे, सब्जेक्ट हो गया आई, क्या लगाओगे, एम गेटिंग, आई एम गेटिंग लेट, मैं देर, मुझे देर हो रही है।
आई एम गेटिंग लेट, मैं बोर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग बोर, राइट, कहीं बोल तो मूवी देख रहे हो यार, यार आई एम गेटिंग बोर, आई एम गेटिंग बोर, आई एम गेटिंग लेट, है ना, यू आर गेटिंग नर्वस, तुम नर्वस हो रहे हो, यू आर गेटिंग नर्वस, आई एम गेटिंग कुछ भी, ही इज गेटिंग लेट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हजार दे दो, तुम आई से बोलो, तुम ही से बोलो, तुम शी से बोलो, तुम दे से बोलो। अब एक सेंटेंस को हजार बनाना, अंग्रेजी का सीखो रूल, हमने कहा शी इज गेटिंग लेट, ही इज गेटिंग लेट, दे आर गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, क्लियर। हमने बोला ही इज गेटिंग बोर, यू आर गेटिंग बोर, आई एम गेटिंग बोर, यू आर गेटिंग बोर, ही इज गेटिंग बोर, दे आर गेटिंग बोर, लता इज गेटिंग बोर, सीता इज गेटिंग बोर, हजार सेंटेंस, देन यू आर एबल टू स्पीक। बार बार फ्रीक्वेंसी करना है, अगेन एंड अगेन एक ही बार को बोलना है, देर ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे, फिर से एक बार बोलो, हो रहा है, तुम बोलना है कि वह लेट हो रही है, ही सी इज गेटिंग लेट, वह लेट हो रहा है, ही इज गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट, ठीक है, लता लेट हो रही है, लता इज गेटिंग लेट, तुम गेट, तुम लेट हो रहा, यू आर गेटिंग लेट, तो सभी कितना है, आई वी यू ही सी वी आर गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, यू आर गेटिंग लेट, सी इज गेटिंग लेट, यू आर गेटिंग लेट, क्लियर। वह नर्वस हो रही है, सी इज गेटिंग नर्वस, तुम नर्वस हो रहे हो, यू आर गेटिंग नर्वस, मैं नर्वस हो रहा हूं, आई एम गेटिंग नर्वस, सीता हो रही है, सीता इज गेटिंग, बिल्कुल याद करो ना अभी साथ साथ। एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं याद करवाने का, मेरे साथ याद कर लो। अगर बेटा कहीं भी मैं अपना सर्विसेज दे रहा हूं, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, 100% मार्क्स चाहिए, 100% स्पीकिंग चाहिए, तो ऑफलाइन का ऑफर तो है ना, आप अगर आ सकते हो ना बेटा तो दिल्ली एक बार आ जाओ, यहाँ पे ऑफलाइन क्लास, मतलब क्लासरूम क्लास, ऑफलाइन मतलब क्या होता है, क्लासरूम में बैठ करके मेरे साथ पढ़ लो, ठीक है, उसके साथ ना अगर चाहो तो ऑनलाइन क्लास भी चलता रहता है, आप सर्च करो और ऑनलाइन क्लास में मेरा जाओ और वहाँ पे आप काम कर सकते हो। जैसे 11 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है ऑनलाइन का, और ऑफलाइन का बैच मैं यहाँ पे दे रहा हूँ परसों के दिन, आप चाहो तो बुधवार को यहाँ करके शाम को 5 बजे आप क्लासरूम में बैठ के मेरे साथ पढ़ लो, कहीं भी दिक्कत है तो, है ना। बाकी तो मैं सिखा रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन एक सिस्टम से बेसिक टू एडवांस अगर डिटेल पढ़ना चाहते हो ना, तो एक बार अगर नंबर मान लो एसएससी की तैयारी करते हो तो फाउंडेशन मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ, अगर फाउंडेशन में कर ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा हो, पर्सनल क्वेश्चन नहीं हो पा रहा हो, आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हो, तो आप बेझिझक एक बार आ जाओ, 3-4 महीने का कोर्स है, मैं तरीके से करवा दूंगा, और 100% मार्क्स की गारंटी, आप कभी पढ़ोगे आपको मार्क्स लाने में आपको मैं हेल्प कर दूंगा, जहां भी हो सकता है आप बेहतर करोगे, ठीक बेटा। इस तरह से तो गेटिंग याद हो गया, दो पढ़ा गेट का, एक गेट और एक गेटिंग। आगे देख लो, अब बोलना है नेगेटिव, अब नेगेटिव बोलना है कि आप ऐसे बोल नेगेटिव मत होइए, तो आप डोंट गेट, डोंट गेट, है ना, हिंदी क्या निकालोगे, मत होइए, मत होइए मतलब क्या हुआ, जैसे बोलते किसी को कि लेट मत होइए, लेट मत होइए, तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, डोंट, डोंट गेट, डोंट गेट प्लस अदर वर्ड, डोंट गेट प्लस अदर वर्ड। जैसे बोलना है लेट मत होइए, डोंट गेट लेट, तो जहां भी नेगेटिव बोलना है, कंफ्यूज मत हो, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट लेट, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, तो जहां बोलना कंफ्यूज मत होइए, तो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। तो यहां पे जो अदर वर्ड है ना, इस अदर वर्ड में आप चाहो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, जैसे हमने कहा डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, हताश मत होइए, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, लेट मत होइए, डोंट गेट लेट, लेट हो गया अदर वर्ड, डोंट गेट लेट। अगर वर्ब बोलेंगे हम तो भीतरी बोलेंगे डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अदर वर्ड में क्या आता है कंफ्यूज्ड, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट नर्वस, नर्वस हो गया एडजेक्टिव हो गया अदर वर्ड। तो जहां भी मत होइए, क्या बोला, मत होइए मतलब कंफ्यूज मत होइए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, नर्वस मत होइए, डोंट गेट नर्वस, हताश मत होइए, हताश हो गए, हताश मत होइए, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, राइट। तो इस तरह से हम लोग बोलने का प्रयास करेंगे, हमेशा हम करने का प्रयास करेंगे इस तरह से। और समझिए, यहां तक बच्चे जानने के बाद अब दो चीज पे ध्यान देना है,
कि जब भी अंग्रेजी की बात आती है तो वोकैबुलरी मस्ट होगा। तो मैं आपको इसमें अगले चरण में जो अगला वीडियो में दूंगा जो कल आप देखोगे उसमें लोग वोकैब पे भी काम करें। और साथ बच्चे एक काम करना है, आप अगर गुरु मान रहे हो मुझे, आपको लग रहा है कि बेहतर हो रहा है, तो अब करना क्या है, बगल में जब जहाँ देखते हो वीडियो वहाँ पे दो तीन पॉइंट होता है, उसको जब क्लिक करोगे तो वहाँ शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, तो उन बच्चों की मदद करिए, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं सर शेयर करना नहीं आ रहा, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक शेयर आ जाएगा, और व्हाट्सअप वगैरह यूट्यूब वगैरह आ जाएगा। तो वहाँ से क्या करना है आपको, व्हाट्सअप पे किसी के फेसबुक पे आपको शेयर करना है। इससे क्या होगा कि जितने ही बच्चे हैं भारत के वो सारे देख लेंगे, सारे समझ लेंगे, और आपका भला होगा साथ साथ उनका भी भला होगा, और इस तरह से देखेंगे तो सबके नज़र में आप वो जितने बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी में समस्या है वो सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप शेयर कर करके और लोगों का लाभ पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।